बड़ी खबर भोपाल से निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बताएंगे, जहां 10वीं बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर आज हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर 10वीं की परीक्षा का पेपर हो चुका है और पहला पेपर देकर बच्चे बाहर निकल आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बच्चे एग्जाम हॉल से परीक्षा देकर बाहर निकल आए हैं और पहला एग्जाम जो कि 10वीं क्लास का था वो अब हो चुका है। पहले दिन अभ्यर्थियों ने दी बोर्ड की परीक्षा। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सख्ती में ये परीक्षा दिलाई और नकल में रोक के लिए पूरी तरीके से इंतजाम भी यहां पर परीक्षा हॉल में किए गए थे। 10वीं बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर था जो कि पूरा हो चुका है और छात्र परीक्षा हॉल से पेपर देकर बाहर निकल आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर पहले दिन अभ्यर्थियों ने अपनी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा दे दी है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सख्ती में ये पेपर दिलवाया और परीक्षा हॉल में पूरे नकल की रोकथाम के लिए, नकल को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूरे इंतजाम के साथ 10वीं बोर्ड की परीक्षा दिलाई। वहीं आपको बता दें कि कल से 12वीं बोर्ड की भी परीक्षा शुरू होने वाली है। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, 10वीं की परीक्षा हो चुकी है, बच्चे परीक्षा हॉल से बाहर आ चुके हैं, क्या कुछ इंतजाम थे, किस तरह से देखा जाए कि आखिर मंडल ने किस तरह से परीक्षा दिलाई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज से 10वीं की परीक्षा थी और ये परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ हॉल खाली हो चुका है, यहाँ से बच्चे जा भी चुके हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर 10वीं के बच्चे थे और अब ये हॉल खाली हो चुका है, यहाँ से बच्चे नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपको बता दें कि जो बच्चों से बातचीत हुई थी, उन बच्चों ने बताया था कि जो हिंदी का पेपर है वो बेहतर तरीके से आया था और अच्छे से उनका जो एग्जाम है वो गया है। लेकिन यहाँ पर जो इंतजाम थे वो कड़े इंतजाम हैं और इसी के साथ में जो विशेष तौर से कहा जाए कि नकल को रोकने के लिए इंतजाम है तो वो नकल को रोकने के लिए इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर की तरफ से टीमें भी बनाई गई है, जो सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो हर एक सेंटर पर मौजूद है और जो नकल है नकल को रोकने के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो खबरें निकल के सामने आई थी कि टेलीग्राम के माध्यम से जो पेपर लीक होने की बात आई थी तो उसमें भी ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है ऐसे में तो उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, निकल के इंतजाम तो किए ही गए हैं, साथ ही हम आपसे चाहेंगे कि आप छात्रों से बात करके पूछें कि उनका परीक्षा किस तरह से था और कैसा गया, अगर बात कर पाए किसी से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बच्चे थे वो बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं और फिलहाल में उनसे पहले बात हुई थी लेकिन अब वो बच्चे यहाँ पर नहीं है तो बच्चों से बात करना शायद संभव नहीं होगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर 10वीं बोर्ड की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, बच्चे परीक्षा हॉल से अपने घर के लिए निकल चुके हैं, तो सफलतापूर्ण यह पेपर हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे थे।